हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आपके साथ यहां पे लेके आई हूं पॉलीनोमियल्स का क्लास 9th का कंप्लीट सॉल्यूशन। जहां पे आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है आरएस अग्रवाल की बुक का। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं मैं एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजिली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एंड यस, ये रही चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे आप चाहो तो देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45। ठीक है, इट मींस आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए यह शो करना है कि जो आपका x माइनस 3 है यह इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए सबसे हम पहले अपने पॉलीनोमियल को यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे शो करना है। तो वी विल से लेट पी ऑफ x इज इक्वल टू वॉट 2x³। ठीक है, प्लस 7x² माइनस 24x एंड देन माइनस 45, ये हमने लिख लिया एग्जैक्टली। और आप यहाँ पे लिख लीजिए जो जो आपका ये ऑफ एक्स है जिसको आपको दिखाना है कि फैक्टर होगा, दिस इज व्हाट एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये यहाँ पे लिखिए कि इफ अगर आपका जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, देन वी विल सी दैट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू व्हाट प्लस 3। ये आपको मिल गई यहाँ पे वैल्यू। अब इससे आपको समझ में क्या आया कि देखिए जो आपको यहाँ पे इसके थ्रू वैल्यू मिली है, इस वैल्यू के लिए अगर आपको पी ऑफ एक्स 0 मिल जाता है सो वी विल से कि इसका फैक्टर होगा, है ना। ये आपका कहता है फैक्टर थ्योरम। तो आइए हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम के थ्रू यह बात कहा गया है कि इफ ओके वी विल से दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स फैक्टर पी एक्स का तब होगा इफ अगर आपका पी ऑफ 3 के वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी ऑफ 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यही मुझे जो वैल्यू मिली है एक्स की, ये मुझे जी एक्स के थ्रू मिली है जिसका मुझे फैक्टर यहाँ पे दिखाना है। तो अब आइए यहाँ पे हम रखते हैं जो आपका पी ऑफ एक्स है वहां हर जगह 3 रख दीजिए। सो वी विल राइट पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 कहाँ पे, इन पी ऑफ एक्स। ठीक है, वी गेट। अब आइए हम चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन दी हुई, ये बात समझिएगा, ये मैंने ये नहीं बताया कि पी ऑफ 3 आपको 0 होगा, मैंने ये बताया कि अगर ये कंडीशन मिलती है ना, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तभी आप कहेंगे कि वो उसका फैक्टर होगा। तो अब आइए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ऑफ 3, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 रखते हैं। देखिए आपका लिखा था 2x³, तो वी विल राइट 2 एंड देन 3 का क्यूब, फिर हम लिखेंगे प्लस 7x² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को 3 रखना है। तो वी विल राइट 3² फिर आपका क्या आ जाएगा माइनस 24x, 24 मल्टीप्लीकेशन 3 एंड देन माइनस 45। ये हमने पूरा वैल्यू लिख ली, आप समझते हैं। आइए अब हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे 2 को एज इट इज, और देखिए 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, वी विल राइट 27, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7 मल्टीप्लीकेशन 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और यहाँ आपको देखिए मिलेगा वैल्यू 4 3 12 3 2 6 का 7 दैट इज 72 एंड माइनस 45। जब आप इन दोनों को एडिशन करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 117, और यहाँ जब आप एडिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 117। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला आपको प्लस, यहाँ मिला माइनस, जो कि आपको कट के क्या दे देगा यहाँ पे 0। सो हमें मिल क्या गया, सो हेयर पी ऑफ 3 इज इक्वल टू वॉट 0, है ना। और जैसे ही आपको पी ऑफ 3 0 मिला, सो वी कैन से दैट देयर फोर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया, पी एक्स, है ना। और यही चीज आपको यहाँ पे क्या बतानी है कि हैंस वी हैव प्रूव्ड, है ना, हैंस हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे इजिली प्रूव कर लिया है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा समझाना है। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूँ सुप्रिया गुप्ता और आपके साथ लेके आई हूँ आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स बुक के क्लास 9th के कंप्लीट सॉल्यूशन।
यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिस्कशन किया जाएगा. ओके, सो होप सो आपके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे देख सकते हैं, एंड ये रही चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे. ओके,